नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील बॉबी और आप इस समय देख रहे हैं गांव की सरकार। आज मैं इस समय हाईवे पर खड़ा हूं अपने सहयोगी अभय कुमार के साथ, और बहुत लोगों की यह शिकायत रही है, खासकर वार्ड सदस्यों की शिकायत रही है कि केवल सरकार वार्ड सदस्यों के लिए लगातार घोषणा पर घोषणा कर रही है, लेकिन वार्ड सदस्यों को अब तक कोई लाभ नहीं मिला है। बात अगर वर्तमान की करें तो वर्तमान में भी पंचायती राज विभाग के द्वारा कहा गया है कि लाखों रुपए मिलेंगे वार्ड सदस्यों को। सात निश्चय योजना पार्ट टू के तहत, जिसमें नल जल योजना के साथ नली गली पक्कीकरण के लिए मिलेगा, लेकिन वार्ड सदस्यों का शिकायत है कि ये केवल घोषणा ही रह जाता है, सरकार का वादा ही रह जाता है, लेकिन अब तक वार्ड सदस्यों को, नव निर्वाचित वार्ड सदस्य जो हैं, जिन्हें जीते हुए अब 6 महीने के करीब होने वाले या उससे पार हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई खास लाभ नहीं मिल पाया है। और तो और, जो काम मुखिया के द्वारा किया जा रहा है उसमें भी वार्ड सदस्यों का सहयोग नहीं लिया जा रहा है। अगर हमारी बात, अगर वार्ड सदस्य अगर इसको सही मानते होंगे तो ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। और मैं अब अपने सहयोगी के साथ बात इस पर करना चाहेंगे कि आखिर आई है और क्या है। तो हमारे साथ इस समय अब है कुमार जी भी हैं, और देखिए हम लोग घूमते फिरते या बातें कर रहे हैं। और अभय जी, हमेशा कमेंट बॉक्स में देखते हैं वार्ड सदस्यों का ये कहना है कि वार्ड सदस्यों को केवल एक तरह से लब्बड़ स्टाम्प बना दिया गया है, केवल नाम दे दिया गया है, कोई भी फायदा अब तक सरकार की ओर से या कोई डायरेक्ट फंड नहीं मिल पा रहा है। अलबत्ता घोषणा हो रही है कि लाखों रुपये वार्ड सदस्य को मिलेंगे नल जल योजना की देख रेख करने के लिए, और मिलेंगे नली गली पक्कीकरण को लेकर, लेकिन मुखिया के खाते में पैसे तो आ रहे हैं लेकिन वार्ड सदस्य के खाते में पैसे नहीं आ रहे, इस पर आपको क्या कहना है? बिल्कुल, आप सुनील जी, सबसे पहले मैं अपने सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और सभी का स्वागत करना चाहूँगा इस कार्यक्रम में, गांव की सरकार कार्यक्रम में। और आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है कि आखिर वार्ड सदस्यों को क्या मिलने वाला है, जबकि मुखिया जी का जो डोंगल था, डोंगल चालू भी हो गया है अब, और उन पैसे भी निकाल रहे हैं जो काम हुआ है, और जहाँ जहाँ मान लीजिए कुछ वार्ड सदस्य एक्टिव हैं वहाँ मनरेगा से भी काम कर रहे हैं, तो वैसे लोग तो गाँव के आम लोग भी रहते हैं जो कुछ काम करते हैं, लेकिन खास करके जो वार्ड क्रियान्वयन समिति को एक्टिवेट करने की बात कही जा रही थी, और नल जल योजना जो सरकार के अनुसार पूर्ण हो चुकी है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है, सबको पता है, तो उसको पैचअप करने के लिए सरकार मेंटेनेंस के नाम पर पैसे देने वाली है, लेकिन वो पैसे सबसे पहले वह सरकार के सामने तो वहाँ पोह की स्थिति यह बनी हुई है कि दो तरह का चयन हो गया है। वार्ड क्रियान्वयन समिति में सचिव का जो चयन है, एक पहले से चुने हुए थे और एक अभी नया चुने गए हैं। अब स्थिति आ गई है कि पुराने वाले चार्ज दे नहीं रहे हैं और नए वाले चार्ज ले नहीं पा रहे हैं। इसमें तो दर्जनों का नाम आ रहा है कि चार्ज लेन देन का मामला अभी तक अटका हुआ है, जिसके कारण विकास का कार्य रुका हुआ है। हालांकि सरकार यानी पंचायती राज विभाग के द्वारा या जिला पदाधिकारी को एक खास निर्देश पर निर्देश भेजे जा रहे हैं। आप इसमें मंत्रालय को सामने आना पड़ा, आज जो मतलब 24 घंटा पहले आदेश जारी किया गया है जिला पंचायती राज विभाग के मंत्री द्वारा कि पुराने जो वार्ड क्रियान्वयन समिति के पर वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के जो सचिव हैं उनको निरस्त कर दिया गया है, वो किसी प्रकार का कोई वित्तीय कार्य नहीं करेंगे, ना ही वो समिति में रहेंगे। वो अब तक चार्ज नहीं ना दे पाए हैं, जो पुराने वार्ड सदस्य हैं, पुराने वार्ड सचिव हैं, वह चार्ज नहीं दे पाए हैं, जिसके कारण वहाँ विकास कार्य रुका हुआ है, जिसमें पंचायती राज विभाग ने माना है कि विभिन्न जिलों को हमने निर्देश पर निर्देश पत्र पर पत्र भेजा है कि इसको शीघ्र चार्ज दिलवाइए और नए ढंग से गठन करवाइए, सचिव का चुनाव करवाइए, लेकिन अभी तक भी कई जिला इसमें पिछड़े हुए हैं, जिसके कारण पंचायतों में विकास धरातल पर नहीं दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है सुनील जी कि देखिए, चार्ज देने और लेने की बात जो है, बहुत जगह जहाँ जो पुराने वार्ड सदस्य नल जल का चाबी ही नहीं दे रहे हैं, वो चाहो और बोल रहे हैं कि वो हम देंगे नहीं, और खुद अपने मन से चालू करते हैं, बंद करते हैं, उसका जो आंदोलन चला था उसके चलते भी कुछ है। बहुत जगह है कि पुराने वार्ड सदस्य जो हार गए वो उसको चाबी दिए हुए हैं, टाइट किए हुए हैं, तो इस तरह के जो विसंगतियाँ हैं हर जगह। लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही है वो प्रशासनिक लापरवाही है। वीडियो को उसमें आगे आना चाहिए, वीडियो को आगे आके, और ग्राम सचिव जो सचिव हैं, जो पंचायत के सचिव हैं, उनको
जाके कहना चाहिए कि नहीं, सबसे पहले आप चार्ज दिलवाइए पूरे जो नए वार्ड के समिति है वो जो गठन हुआ है उसको। हालांकि खाता खोलने का काम जारी है, आप कमेंट में बताएंगे हमारे जितने भी वार्ड के जो नए सचिव हैं और वार्ड सदस्य हैं, वार्ड के समिति के सदस्य हैं, वो कमेंट में जरूर लिख के बताएं कि आपके यहाँ क्या खाता खुला है कि नहीं खुला है, जो नए जो चयनित हुए हैं वार्ड सचिव और वार्ड अध्यक्ष जो होते हैं उनके नाम से, अगर वो खाता अगर खुल गया है तो पैसे देने की बात करें। लेकिन सरकार भी अभी सोच रही है कि हम पैसे किस अकाउंट में डालें, खाता खुला है कि नहीं खुला है अभी। यानी कि सरकार ये मूड में है कि जो पंचायत में हो पान तो मुखिया के फंड में डाले, और वार्ड का अगर काम है, नली गली पक्कीकरण है, नल जल योजना है, उसका पैसा वार्ड सदस्य के खाते में ही डाले। देखिए, दो तरह की बातें चल रही थी, पहले मुखिया के खाते में जाता था, उसके बाद अनुशंसा के आधार पर फिर वार्ड के समिति के खाते में पैसे डाले जाते थे। लेकिन अब बीच में जो आया था कि वार्ड के समिति को और सशक्त बनाया जाए, और सशक्त बनाने के लिए जो डायरेक्ट उनके खाते में पैसे दिया जाए, लेकिन एक घोषणा अलग बात होती है लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। ज़मीनी हकीकत है कि अब किस खाते में, बहुत जगह बहुत खाता ही नहीं खुल पाया है बहुत लोगों का। अच्छा, पुराने वाले खाते में डाल नहीं सकते हैं। अच्छा, कुछ पैसे हैं कि पहले काम कर चुके हैं, जो परामर्शी रहते हुए काम कर चुके हैं, अब परामर्शी रहते हुए जो काम किए हैं उनका तो भुगतान होना चाहिए। यानी कि कहीं ना कहीं व्यवस्था जो है जी दोषी है, बिल्कुल दोषी है। वो चुन कर आ गए हैं, उनको काम करने की ललक है, लेकिन उन तक फंड नहीं पहुंच रहा है, उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंच पा रही है। यानी कि कुल मिलाकर अभी बिहार में स्थिति मुखिया जी तक ही सीमित है। एक बात बताइए, मैट्रिक का परीक्षा देने के बाद ना कॉलेज में नाम लिखाएगा, तो यहाँ सबसे पहले अगर काम कैसे करना है तो काम करने के लिए उनको क्या सामग्री उपलब्ध कराई गई है? प्रशिक्षण तो दिया नहीं गया है, अभी तक प्रशिक्षण नहीं हुआ है, प्रशिक्षण नहीं दिया गया तो काम गुजरने वाले हैं। और जब किसी तरह की गलती होती है काम करवाने में, किसी तरह की अगर अनियमितता बरती जाती है तो जेल किसको जाना पड़ता है? जो काम कर रहा है, जो काम कर रहा है, अधिकारी तो जेल नहीं जाएंगे। तो एक तो पहले उनको प्रशिक्षित नहीं कर रहे हैं, तो किस इंतजार में कि कुछ गलतियाँ कर लें उसके बाद यानी कि मैंने परीक्षा पहले दे लो उसके बाद पढ़ाई होगा। हाँ, उसके बाद पढ़ाई होगा, यही नीति है। और इधर से भी गलती है, जैसे वार्ड सदस्य मुखिया जी जितने भी पंचायत प्रतिनिधि हैं, इन लोग का भी कमिटी बनी हुई है, इन लोग का भी संघ बना हुआ है, तो राज्य स्तर पर इनके द्वारा ये मांग उठाना चाहिए कि हमें प्रशिक्षण दे, लेकिन लोग फंड मिल रहा है उस फंड में हम जनप्रतिनिधियों से हमारी एक ही शिकायत है, बहुत कॉमेंट भी करते हैं कि आप फेक न्यूज देते हैं, आप कहे थे कि ऐसा होगा तो ऐसा होना चाहिए। अरे भाई, आप लोग अपने अधिकार की बात करते नहीं, बस पैसा कैसा जाना है। कमेंट देख रहे थे जिसमें कोई सरपंच साहब लिख रहे थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं अभय जी, कर रहे थे कि सरपंच साहब को मिलेगा, कहाँ मिलवाया, कहाँ मिल गया, आप लोग सभी फेक न्यूज देते हैं। तो सरकार के घोषणा को हिम्मत नहीं है कहने का कि वो फेक बातें बोलते हैं, लेकिन हम अगर बता रहे हैं सरकार की बात उनके तक पहुँचा दी है तो हम फेक फेक हो गए। तो भाई जी, समझिए बात को कि क्या रियल है। अगर आवाज़ उठाने का इतना ही बड़ा शौक है तो निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा, सरकार का जो आपको क्या कह सकते हैं, धोखा देने का जो काम किया जा रहा है उस पर आवाज़ उठाइए, और आवाज़ हम बनने के लिए तैयार हैं। आप अपना एक वीडियो बनाइए, एक मिनट दो मिनट का बनाइए, और बोलिए कि क्या क्या कमियां हुई है, और हम लोग के पास में भेजिए, हम उसको चलाएंगे, अपना बातें बोलकर उसमें जो सच्चाई है बोलते हुए आपको दिखाएंगे कि सरकार तक आवाज़ पहुँचे। इस तरह से किसी को आरोपित करना बिल्कुल सही नहीं है। फिर एक चीज़ और मैं दर्शकों से हम कहना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी जानकारी निकल कर आ रही है, जैसे आज भी हम लोगों के पास अपडेट आया है कि मंत्री जी ने कहा है कि मंत्री जी ने आदेश दिया है कि जो भी पुराने जो वार्ड के समिति हैं उसको भंग कर दिया जाए, उसको कोई अधिकार नहीं दिया जाए। हमारे पास 48 घंटे पहले इसका अपडेट आ गया था, लेकिन हम लोग जब पूरी तरह से जांच कर रहे हैं, अभी जांच करने के बाद ही तो खबर पहुंचा में भी आती है, यानी अखबारों में भी आता है। शायद आप लोग अखबार सही से देख नहीं पाते हैं, देखते भी होंगे तो एक आध अखबार देखते हैं, जबकि हम लोग सभी अखबारों का रीड करते हैं। बहुत अक्सर होता है कि हम लोग पहले ब्रेक कर देते हैं अखबार में, बाद में आता है तो लोग फिर बाद में लोग बोलते हैं कि नहीं, आप बोले थे अखबार में भी आ गया है। तो देखिए, अपना अपना हम लोग का सोर्स है जो खुलासा नहीं कर सकते हैं, जहाँ से हम लोग अपने आपके लिए जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो अब वार्ड सदस्य पर बातें हुई है, वार्ड सदस्य का क्या राय है, वार्ड सदस्यों का क्या राय है, कमेंट बॉक्स में दीजिए, और फिर बने रहिए हमारे साथ है, और मिलते हैं। मैं हूँ आपके साथ सुनील बोबी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अभय कुमार। हमेशा आपके लिए, चाहे आप बुरा कहिए या भला कहिए, आपके लिए अपडेट जो आएगा अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हम लोग दोनों को इजाज़त। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।